हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ यू स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू गोपाल स्टडी सर्कल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम स्टडी करने वाले हैं लेसन नंबर 8, राजा का हिस्सा। ओके, जो कक्षा 6 के प्रथम सेमेस्टर का यह लेसन है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम यह लेसन शुरू कर देते हैं। पहले हम माहिती प्राप्त कर लेंगे कि इस कहानी में एक प्रजावत्स्य राजा का वर्णन है, मतलब यहाँ एक कहानी दी गई है और उस कहानी में एक ऐसे राजा का वर्णन किया गया है जो प्रजावत्सल है, मतलब प्रजा के प्रेमी है। ठीक है, प्रजा की देखभाल करने वाले राजा का यहाँ पे वर्णन किया गया है। राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। कौन? राजा। किसकी कठिनाइयों में? तो प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उसकी मदद करने के लिए क्या रहते हैं? तत्पर रहते हैं। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं यह लेसन। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे, मतलब यहाँ इस लेसन के अंदर हम किस कौन से राजा के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं? राजा भोज। आपने सुना होगा ना, उज्जैनी के वो राजा थे। किसके? उज्जैन के, है ना। तो वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों में देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। वह स्वयं राज्य में घूमते थे। कौन? राजा भोज। और लोगों की कठिनाइयों को देखते थे और उनको स्वयं ही दूर करते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। एक दिन राजा किसके साथ? तो अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का क्या कर रहे थे? भ्रमण कर रहे थे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है। उन्होंने क्या देखा? एक खेत के अंदर एक किसान हल जोत रहा है, ऐसा उन्होंने देखा। मगर उसके हल में एक ही बैल है, दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। राजा रानी ने देखा कि उसके हल में सिर्फ एक ही बैल है, ओके, और दूसरे स्थान पर उसकी जो स्त्री है ना, मतलब उस खेत जो खेत बोझ में रहा है ना, मतलब वो खेडूत, ठीक है ना, उसकी वाइफ, ठीक है ना, तो वो स्त्री सिर्फ स्त्री हर खींच रही है। एक और बैल है और दूसरी और स्त्री है। राजा बोझ ने रथ को रोका और किसान के पास जाकर कहा, बड़े आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? बड़ा कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? राजा भोज ने क्या कहा? तो किसान के पास जाके किसान को रोका और कहा, अरे बड़े आदमी, तुम यह क्या कर रहे हो? स्त्री पे तो कोई अत्याचार करता है? बड़ा कहीं स्त्री भी कोई हल जोतता है? कभी देखा है तूने? अभी खेडूत ने, मतलब उस किसान ने आंसर दिया, मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास क्या नहीं है, धन नहीं है, अगर खेत न जुटा तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है? राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो तो। किसान बोला, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान ने क्या कहा, आपको जो भी कहना है ना, मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम मत रोको। राजा भोज उसके साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। किसके काम के प्रति? तो किसान अपने खुद के काम के प्रति इतना लगाव में था कि राजा यह देखकर किसान से बहुत प्रभावित हुए। राजा बोले, मीन्स वह बोले, बड़े आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। राजा बोझ ने क्या कहा? अरे बड़े आदमी, इस तरह से तुम अपनी स्त्री से काम करवाओगे ना, तो क्या होगा पता है? तुम्हारी स्त्री थक जाएगी
और थकान की वजह से पुरुषरा कोई भी काम नहीं कर पाएगी। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं। राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम ही बैल ला दो। किसान बोला, किसान ने कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ अभी जाऊंगा वहाँ पे, ठीक है, बैल लाने के लिए, तो मेरा काम यहाँ अटक जाएगा ना। एक काम करो, तुम ही लेके आओ बैल, ठीक है ना, मेरा काम अटकना चाहिए नहीं। अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जुटूंगा। राजा ने कहा, राजा ने क्या कहा, एक काम करो, तुम अपने स्त्री को मेरे रथ के पास भेजो, वहाँ पे मेरी स्त्री है, वह क्या करेगी, मतलब पत्नी है ना मेरी, वो वहाँ से बैल लेके आएगी, ठीक है, तब तक मैं क्या करूँगा, तुम्हारी स्त्री की जगह पे मैं हल खींच लूँगा। किसान इस बात पर क्या हो गया, राजी हो गया। राजा भोज हल में जुट गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमज़ोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना, कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया, तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। हाँ यस, क्या हुआ फिर देखो, उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी कि राजा क्षमा कर दीजिए मुझे, मैंने आपसे हल छुटवाया, ठीक है, मेरे में अकल मरी गई थी, ठीक है ना, मेरी अकल मर गई थी, जो मैंने आपसे काम करवाया, मैं आपको नहीं पहचान पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए राजा। ओके, ऐसे बार बार वह किसान राजा से माफ़ी मांगने लगा। राजा प्रसन्न होकर वापस चले गए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई, उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था ना, उसमें मोटी हो गए थे। क्या हो गए थे, मोटी। बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूँ उगे थे। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। किसान ने सारे मोटी इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। कौन, किसान। उसने सारे मोटी राजा भोज के चरणों में रख दिए। किसके चरणों में, राजा भोज के। और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया कि जिस जिस जगह पे आपने हल बोया था ना, खींचा था ना, वहाँ पे क्या मोटी निकल आए, ठीक है ना, तो आप मोटी के हकदार आप ही हो, तो मैं आपके पास लेके आया हूँ। राजा ने कहा, ये मोटी तुम्हारे खेत में हो गए है, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं इन्हें कभी नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले ले। किसान ने राजा से यह प्रार्थना की। किसान की बात सुनकर राजा क्या बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने मोटी स्वीकार कर लिए। तो देखा ना, यहाँ पे किसान ने किस तरह से जो मोटी थे ना, उसको राजकोष में गरीबों की सेवा के लिए रखवा दिया। समझ गए आप, तो आपको भी यहाँ पे यहाँ से अच्छी बात सीखने को मिलती है कि जब भी आपके पास जो संपत्ति मिले आपको, ठीक है, अगर लगे कि ये ज़्यादा है और लगे कि इस पे मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि यह राजा ने या कुछ ने हेल्प की थी, दूसरों की हेल्प की वजह से यह हुआ है, तो उनको उनका मतलब जो भाग है ना वो देना चाहिए। अगर वो मना करे
तो गरीबों की सेवा के लिए उसको उपयोग में ले लेना चाहिए। आया समझ में? आई होप कि आपको यह लेसन समझ में आया होगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस वर्क, गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद एंड जय भारत।